सम्मोहन व वशीकरण के लिए कोई उपयोगी तिलक बतलाएं। प्रिय भक्तगणों, अगर हम चंदन की तरीके से काली हल्दी का टीका अगर अपने माथे पर लगाते हैं तो यह टीका सम्मोहनकारी बन जाता है। अगर हम टीके के बीच में अपनी सबसे छोटी उंगली, जिसे कनिष्ठा उंगली भी कहा जाता है, उसका थोड़ा सा रक्त निकालकर उस टीके के मध्य में लगाते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहूंगी, किसी भी प्रयोग को अपनाने से पहले कि अवश्य जांच कर लें, ये जो प्रयोग आप करने जा रहे हैं क्या ये आप ही के लिए है, क्या ये आपकी परेशानी के अनुकूल है। तो इसकी जांच करने के लिए क्या करें, अपनी बर्थ डिटेल, क्योंकि हम जो भी कार्य करें, जो भी प्रयोग करें, उसे बर्थ डिटेल के हिसाब से होना चाहिए, हमें सूट करना चाहिए। तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारी वेबसाइट www.shanidev.us जो नीचे दिया हुआ है, इस पे जाके सबमिट करें, अपने फेस का एक फोटो लगाएं और अपनी प्रॉब्लम लिखें, ताकि गुरु जी आपको सही उपाय जो आपको करना चाहिए वो बता सकें। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, गुरु जी अपने किसी भी उपाय के लिए, किसी भी रेमेडीज के लिए कोई भी पैसा नहीं देते। तो आप बिना झिझक हमें या तो फोन के माध्यम से या फिर हमारी वेबसाइट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्या आप अपने रिश्तों में आ रही खटास को लेकर, पति पत्नी के मध्य हो रहे झगड़ों को लेकर या अन्य किसी कारण से घर में निरंतर बढ़ रहे झगड़ों को लेकर परेशान है? मैं शनि मंदिर राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली से गुरु रजनीश ऋषि लेता हूं गारंटी, आपकी ग्रह कलेश संबंधी समस्त पीड़ाओं को दूर करने की। 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर राजेंद्रा प्लेस नई दिल्ली वाले गुरु रजनीश ऋषि से अब आप भी उनके ईस्ट पटेल नगर दिल्ली स्थित ऑफिस में मिल सकते हैं, अथवा आप गुरु जी को हमारे शनि मंदिर की विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट www.shanidev.us पर जाकर अपनी सभी परेशानियां लिखकर